बात 2015 की है। एक 29 साल के दलित नौजवान ने संगठन बनाया। बनाने का उद्देश्य दलितों का उत्थान था, गरीब लड़कियों की शादी करवाई, कैंप लगाकर रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य किए, अपने वर्ग के कुछ पढ़े लिखे युवाओं को तैयार करके कोचिंग खुलवाई और बच्चों को तालीम देना शुरू किया। बताते हैं कि कुछ ही दिन बाद सहारनपुर में 100 से ज्यादा निःशुल्क कोचिंग खुल गए। फिर साल आया 2017 और महीना मई, सब कुछ एकदम पलट गया। सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सबीरपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभ यात्रा निकाली गई। शोभ यात्रा के दौरान विवाद हुआ और मामला देखते ही देखते जातीय संघर्ष में बदल गया। ठाकुरों ने दलितों के गांव पर हमला बोल दिया और 25 से ज्यादा घरों को फूंक दिए। गोलियां चली, तलवारें भांजी गई, किसी के हाथ कटे तो किसी के पैर, दो की जान चली गई। सियासत सहम गई, बात सहारनपुर से लखनऊ पहुंची और फिर दिल्ली। नेताओं ने आंदोलन को लपकना ही चाहा कि सामने से निकल कर आया वो संगठन, उसका मुखिया जो कभी दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ जवाब उठाने के लिए बना था, जिसका नाम भीम आर्मी और मुखिया का नाम चंद्रशेखर आजाद रावण था। चंद्रशेखर की पहचान दंगों के पहले जीरो थी, दंगों के बाद वह संख्या बनी और देखते ही देखते वह मोहरों में तब्दील हो गए। सियासी लोग उन्हें लपकने के लिए नंगे पांव भागकर सहारनपुर पहुंचे, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आए। इसके पीछे बड़ी वजह उनका मायावती के प्रति प्रेम था। वह बुआ मायावती के खेमे में खड़े होना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उन्हें भतीजा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वह नहीं माने, लगा कि बुआ कितने दिन नाराज रहेंगी, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती एक के बाद एक आरोपों की तीर से चंद्रशेखर को भेदने की कोशिश करती रही, लेकिन चंद्रशेखर का समर्पण ही कुछ ऐसा था कि कभी जवाबी हमले नहीं किए। समय बीता, चंद्रशेखर जेल गए, लाठियां खाई, बाहर आए और पहले से कई गुना ताकत के साथ आवाज उठे। लोग जुड़े, खासकर दलित युवाओं की एक पूरी फौज चंद्रशेखर के पीछे खड़ी हो गई। लगा कि सियासत में आ जाना चाहिए। सो चंद्रशेखर ने भी 15 मार्च को कांसीराम जयंती के दिन आजाद समाज पार्टी बना ली। पार्टी बनते ही बसपा के 15 पूर्व विधायक और 3 पूर्व सांसदों ने सदस्यता ले ली। ये वो संख्या है जो मायावती को जोर से चुभी होगी। चंद्रशेखर आजाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दावेदारी करेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी सीधी लड़ाई अब बसपा से है। सूबे में दलितों की आबादी लगभग 21 से 23% के बीच है। दलितों का समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक जाटव है जो करीब 14% है। इसी जाटव वर्ग से मायावती आती है। खास बात यह कि चंद्रशेखर भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में मायावती का डरना स्वाभाविक है। मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट से बसपा मजबूत हो गई। ठीक इसी तरह ओबीसी में यादवों के एक तरफा समर्थन से समाजवादी पार्टी बन गई। अब आप कह सकते हैं कि जब दोनों पार्टियों को एक तरफा समर्थन मिला तो 2017 के चुनाव में हार क्यों गए? इसका जवाब यह है कि दोनों में एक ऐसा वर्ग भी है जो कभी एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, इसलिए वह छिटक कर भाजपा के खेमे मिल गया। खैर ये सब छोड़िए, बड़ा सवाल जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया वो ये है कि मायावती की उस बात में कितनी सच्चाई है जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर को भाजपा का एजेंट बताया, दलितों के वोटों में बिखराव करने के लिए भाजपा की चाल बताई। लेकिन चंद्रशेखर ने पलट कर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बहन कहा, लेकिन कभी कांग्रेस को समर्थन देने की बात नहीं कही। भाई और बहन का यह आदान प्रदान राजनीतिक होते हुए भी गैर राजनीतिक हो गया। कहानी ही कुछ ऐसी गढ़ी गई कि सियासतदारों के माथे पर पसीना आना स्वाभाविक हो गया। यूपी की सियासत अब एकदम बदल गई। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा बढ़त हासिल करती थी, वहां उन्हें चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर खड़े हो गए। ये सही है कि चंद्रशेखर का कद सोशल मीडिया के मानकों पर जरूर थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जमीन पर वह उतने बड़े नहीं है। युवाओं में उनकी पकड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन बुजुर्गों में मायावती की खुमारी उतरी नहीं है। 2012 के बाद जहां छोटी पार्टियों का विलय शुरू हुआ था, वहीं अब ये फिर से खड़ी होती दिख रही। निश्चित तौर पर ये चुनौती पेश करेंगी। अब असली लड़ाई दलितों के उत्थान को लेकर। प्रदेश में दो बड़े दलित नेताओं के बाद क्या बहुजन वर्ग का भला होगा? क्या उनके हक मिलेंगे? क्या उन्हें तर्कशील बनाया जाएगा, या फिर उनके वोटों के जरिए अपने सिंहासन को मजबूत करने का क्रम चलता रहेगा? निश्चित तौर पर बहुजन वर्ग में चेतना का विकास हो रहा है, पर उसकी जो रफ्तार है वह बेहद धीमी है। चंद्रशेखर उस चेतना में रफ्तार देते हैं या फिर उसे कुंद करते हैं, ये वक्त बताए। भीम का भारत में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में बहुजन वर्ग के किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा।
मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।